हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक्स का आंसर की। लेट हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। इतना देर आप लोगों को मिला तो आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए था, ठीक है। टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहिए था और सॉल्व करनी होंगे आप लोग, कर लेना चाहिए भी था। तो चलो अब देखते हैं। हाँ, एक बात और है कि थोड़ा क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से अगर देखा होगा आप लोगों ने तो आप लोगों को मालूम होगा नंबरिंग मिस्टेक है। तो नंबरिंग क्लियर कर लेना। टोटल 31 नहीं 33 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को 33 मिल जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से करना, और स्टार्टिंग से सीक्वेंस 1 2 3 4 5 गड़बड़ कहाँ पे है। 15 दो बार लिख दिया मैंने और 28 दो बार लिख दिया, बस यही दो गड़बड़ है। उसके कारण दो क्वेश्चन और बढ़ गए तो 33 आ गया। तो वो चीज़ को देख लेना। और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन मतलब पूरा थियोरेटिकल सॉल्यूशन। और आंसर की देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का बी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का ए, 9 का सी, 10 का ए, 11 का बी, 12 का बी, 13 का बी, 14 का ए, 15 का ए है। फिर 15 के बाद फिर मैंने 15 ही लिख दिया था तो उसे 16 कर लेना, तो वो 16 नंबर हो जाएगा। तो 16 का ए, 17 का ए, 18 का ए, 19 का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो रूट अंडर 2 टेस्ला, रूट 2 टेस्ला हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। 20 का ए, 21 का बी, 22 का ए, 23 का बी, 24 का सी, 25 का ए, 26 का बी, 27 का बी है, फिर 28 बी, फिर 28 में मैंने दो बार लिख दिया है तो उसे 28 को फिर 29 करना वहाँ से। तो 29 का ए, 30 का ए, 31 का ए, 32 का ए, 33 का डी, मैक्सिमम का ए दिख रहा होगा क्योंकि सारा का सारा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव है आपका 30 नंबर और 31 नंबर, यही दो क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, बाकी सारा सब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन मैंने खुद से बनाया और एक तो करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम करेक्ट आंसर मैं ऑप्शन ए में ही लिख देता था, ठीक है, जल्दी होता था वो, तो इसलिए मैक्सिमम ए आप लोगों को दिख रहा होगा, ए और बी। सी डी बहुत मुश्किल से दिखा होगा, डी तो एक में भी नहीं है, सी है दो क्वेश्चन में, दो या तीन में मिलेगा सी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैपेसिटर में होगा। डाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बताऊंगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, ये हो गया ऐसे डाई इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि ऐसे रहेगा तो हो जाएगा हम लोगों का पैरेलल, ठीक है। और ऐसे रहा अगर डाई इलेक्ट्रिक में, ऐसे करके दे दिए बीच से एक, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक कर दिए और इसके हम लोग कर देते हैं सीरीज, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसे सीरीज बोले कि पैरेलल बोले, वहाँ पहचानना में दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए ना इसका डायग्राम पे मत जाना, कभी डायग्राम पे मत जाना, थ्योरी में आप लोगों को देखना है। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ जरूर देगा, एरिया देगा और डिस्टेंस देगा, ठीक है। डिस्टेंस देगा दोनों का, डी वन डी टू करके देगा और एरिया ए वन ए टू देगा। अगर एरिया डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, तब हम लोगों का पैरेलल हो जाएगा। डिस्टेंस विल बी डिफरेंट एंड एरिया विल बी सेम, देन विल बी सीरीज, ठीक है, सीरीज में रहेगा। सारा कुछ कराऊंगा कैसे क्या होता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखे तब क्या होगा, रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज क्या होगा, पैरेलल प्लेट का कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। उसके बाद हटाने के बाद अगर रखते हैं हम लोग उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तब नया चेंज क्या आएगा, कैपेसिटर में भी, कैपेसिटी में भी चेंज आ जाएगा, नेट कैपेसिटी, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। पर तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चन जिन्होंने किया होगा 33 क्वेश्चन है टोटल, 33 में अगर जिन लोगों का 25 क्वेश्चन भी सही हुआ होगा, लिख लो मैग्नेटिक्स में नीट 2020 में एक भी क्वेश्चन गलत करके आप नहीं आने वाले हो। 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, 4 to 5 क्वेश्चन, किससे, पूरा का पूरा मैग्नेटिक्स जितना भी है ना क्लास 12 का, या पूरा जितना भी मैग्नेटिक्स आप लोगों का है 12th में ही है मैग्नेटिक्स, तो जितना भी है आप लोग मैग्नेटिक्स EMI पकड़ लो, या मैग्नेटिज्म मैटर पकड़ लो, या आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट इन स्ट्रेट कंडक्टर कुछ करके आसान है, तो वो ले लो। तो पूरा 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है।
एक भी गलत नहीं होगा अगर 25 आप लोगों ने करेक्ट किया होगा तो। 5-6 तो चलता है, 5-6 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।